सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, आज हम जनरल साइंस की जो हमने ह्यूमन बॉडी की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोन्स एंड टीथ के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से कौन सी डिजीज से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये पोर्शन हमारा स्टैटिक जीके में भी आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट स्टार्ट डिजीज एंड बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड। जो हमारा डिजीज वर्ड है इसका मतलब है कि कोई बीमारी है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है और इंटरनल चेंज भी हो सकता है। इट मीन्स कि कभी कभार क्या होता है कि कोई अगर हमें बीमारी हुई है कुछ गलत खाने की वजह से, कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कोई लाइक आपको किसी मच्छर ने काटा या किसी ऐसे हार्मफुल चीज़ से आपको नुकसान हुआ है, तो वो इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे दिखते हैं। या तो वो हमें बाहर उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं या फिर अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ती जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हम उसको चेक करवाते हैं तभी हमें पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमारी बॉडी से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, किस सोर्स की वजह से या किस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है और उससे फिर अगर आपको वो डिज़ीज़ हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उससे हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है जो ऑलमोस्ट सबको पता होनी चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब डिज़ीज़ जो है इसकी वजह से क्या होता है कि या तो हमारे हार्मोन जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट है या कोई ऑर्गन है जो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो इस वजह से हमें थोड़ी टेंशन होती है और हमें पता चलता है कि यस हमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम चेकअप करवाते हैं, ठीक है। अब जो डिजीज़ है इसके सोर्सेज में वो इंटरसनिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इट मीन्स कि ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में अंदर ही जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स डेली बनती हैं, ब्रेक होती हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स भी आपकी बॉडी के लिए हो सकता है जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें जो इंटरसनिक पार्ट्स में हैं उसमें क्या आ सकता है, जैसे हार्ट अटैक है, ठीक है, उसे कार्डियक फेलियर कहते हैं, इस टाइप का कुछ, या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का मतलब होता है मधुमेह, शुगर जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, या फिर कोई एलर्जी है और सबसे ज़्यादा डेंजरस कैंसर है या एड्स है, ऐसी कोई बीमारी होती है जो हमारे इंटरनल हो जाती है उसे इंटरसनिक कहते हैं और इनका सोर्स भी अंदर से ही होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें बाहर से दिखती हैं तब हमें पता चलता है, मीन्स कि हमें उसके सिम्टम्स बाहर फील होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी में बहुत ज़्यादा मोटापा आता जा रहा है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस है, मतलब कि विजन रात के टाइम पे कम हो जाना या फिर बिल्कुल ही ना दिखना या फिर कम दिखने लग जाना। इसके अलावा स्कर्वी, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर से आपको सोर्सेज से दिखती हैं, तो ये इनकी वजह जो है डिजीज़ की या तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कौन से एजेंट या किस सोर्स की वजह से कोई डिजीज़ होती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो अनबैलेंस्ड डाइट है जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी होती है। और इन सब के अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं लाइक पॉल्यूटेंट हो गया, कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहलिक है या फिर कोई ड्रग्स वगैरह की एडिक्शन है, तो उनकी वजह से भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हमें हो जाती हैं। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है डिजीज़ का और उसके सामने बॉडी पार्ट्स हैं इफेक्टेड। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे एसएससी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चंस डिजीज़ और डायबिटिक डिजीज़ और अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स पे आ जाते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम उसे कमेंट करके पूछिएगा। अब इसमें फर्स्ट जो मैंने दे रखा है डिजीज़ में, फर्स्ट डिजीज़ है आपके पास गॉइटर। गॉइटर का मतलब होता है घेंगा रोग, हिंदी में उसे घेंगा रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गॉइटर की वजह क्या होती है या किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। तो ये थायराइड होते हैं, थायराइड हमारी नेक
वाले नेक में नीचे वाला पोर्शन होता है ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, मीन्स कि इसमें सूजन आ जाती है, जिससे पता चलता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ गया है। थायराइड ग्लैंड जो है ग्रंथि, ये बटरफ्लाई की शेप की होती है। इसके अलावा जो गोइटर है, गोइटर होने की वजह होती है आयोडीन की कमी होना। जिस किसी भी पर्सन में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनको गोइटर हो जाता है। जब हमारी बॉडी में इनफ आयोडीन नहीं होता, मीन्स कि जितने रिक्वायरमेंट है उतना आयोडीन नहीं होता, तो जो हमारा थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाती है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, जिसकी वजह से ये जो ग्लैंड है, जो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है, ये स्वेल्प कर जाती है, इसमें सूजन आ जाती है या इसका साइज बढ़ जाता है। अब बात करते हैं गोइटर में, तो देखिए गोइटर जो है वो पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होता है, लेकिन इस ग्लैंड के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से खांसी की और कुछ भी अगर आप खाते हैं तो उसको निगलने या सॉल्व करने की प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने गोइटर पे बताए, जो लिखे हुए हैं उसके अलावा, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड डिजीज इज आर्थराइट्स। इसका मतलब होता है गठिया या फिर जोड़ों का दर्द। ये हब बेसिकली जॉइंट्स में होता है, बॉडी में जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी, घुटने पे, कोहनी, इस टाइप के जहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे गठिया का जो जोड़ों का दर्द है ये होने के चांसेस होते हैं। नाउ थर्ड वन इज अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है दमा। ये ब्रोंशियल मसल्स को इफेक्ट करता है। इट मीन्स कि जो अस्थमा है इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ऑब्वियसली जब सांस से रिलेटेड बात आएगी तो जो हमारी श्वसनीय मसल्स हैं, ब्रोंशियल मसल्स हैं, लंग्स हैं, उनके ऊपर इसका इफेक्ट आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, और ये जो इफेक्ट करता है ये हमारी आइज को इफेक्ट करता है। कैटरेक्ट में मीन्स कि मोतियाबिंद में होता क्या है कि जो विजन है, मतलब जो देखने की हमारी आई की पावर है, वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। पहले वो एक आई पे इफेक्ट करती है, फिर धीरे धीरे वो दोनों आईज पे इफेक्ट करने लग जाती है। अब कैसे पता चलेगा इसके जो सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा किसी कोई जो पर्सन है उसे कि उसे मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, तो या तो उसे ब्लरी दिखने लग जाता है, मीन्स कि धुंधली धुंधली चीज़ें दिखने लग जाती हैं, या फिर उनका कलर बिल्कुल फेड हो जाता है जो भी चीज़ें वो देखे, और या फिर उसको हर चीज़ डबल डबल दिखाई देने लग जाती है। और लास्ट जो सिम्टम है वो ये है कि ब्राइट लाइट में, मीन्स कि अगर उसकी आइज पे बहुत तेज लाइट पड़ती है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे कैटरेक्ट के। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसमें हमें बहुत बार सिम्टम्स दे दिए जाते हैं और फिर हमें बीमारी को पहचानना पड़ता है। तो ईच एंड एवरी थिंग को आप समझ कर करिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज डायबिटीज। डायबिटीज़ जो है इसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। ये हमारे पैनक्रियाज पे इफेक्ट डालती है। अब जो पैनक्रियाज है ये क्या काम करता है या इसका क्या फंक्शन क्या होता है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसे बॉडी में, बॉडी के जो सेल्स हैं उनके लिए फ्यूल में कन्वर्ट करता है। फ्यूल का मतलब हो गया ईंधन के लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और वर्क करने की कैपेबिलिटी आती है। पैनक्रियाज के दो मेन फंक्शन है, फर्स्ट इज एक्सोसाइन एंड सेकेंड वन इज एंडोसाइन। अब इसमें जो फर्स्ट वन है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जो आपने खाना खाया उसको पचाने में हेल्प करता है। एंड एंडोसाइन का मतलब होता है जो हमारा ब्लड शुगर है उसे रेगुलेट करता है। आपको पता भी होगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनको कोई भी बीमारी होती है या फिर कोई ऐसे चोट लग जाती है जिससे ब्लीडिंग होती है, तो वो घाव या वाउंड उनका बहुत टाइम में भरता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स कि इंसुलिन की कमी अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो फिर उनको इसके इंजेक्शन भी लेने होते हैं। नाउ सिक्स वन इज डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया जो है इसका इफेक्ट आता है थ्रॉट, मीन्स कि गले में। इसकी वजह से, डिफ्थीरिया की वजह से नोज या फिर गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब जो डिफ्थीरिया है वो फैलता कैसे है, उसके कॉजेस कैसे हो जाते हैं, या तो ये हमारी सलाइवा से जाता है, सलाइवा पे मीन्स कि जो हमारी टंग है उस पर एक लिक्विड होता है जिसको सलाइवा बोलते हैं, इसमें अब किसी का जूठा खाते हैं तो इस वजह से ये फैल जाता है, या फिर कोई किसी को कफ है, खांसी आ रही है, या उसने छींका है, स्नीजिंग प्रॉब्लम हुई है, तो उस टाइम पे अगर कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाए और उसको डिफ्थीरिया हो तो वो उस टाइम पे भी ये फैल जाता है। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज
पोलियो, पोलियो का जो इफेक्ट है बॉडी पार्ट को, वो लेग्स पे इफेक्ट डालता है पोलियो। अब पोलियो जो है वो पोलियो वायरस की वजह से होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो पोलियो वायरस है। इसके अलावा पोलियो की बहुत सारे वैक्सीन आते हैं कि आपको छोटी एज में ही पोलियो के वैक्सीन लगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ये प्रॉब्लम ना आए। पोलियो बेसिकली हमारी जो मसल्स हैं उनको वीक कर देता है, ये बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट पे इफेक्ट करता है, कभी कभार ये हाथों पे भी इफेक्ट डालता है, बट मेनली अगर पोलियो के केसेस देखें तो हम लेग्स में ही देखते हैं कि आपका एक लेग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा हो जाता है। अब देखते हैं इसमें स्प्रेड, मतलब ये कैसे फैलता है। तो ये वही इन्फेक्टेड सलाइवा से, जूठा खाने की वजह से होता है, या फिर इसके अलावा अगर आप किसी के वाटर कंटेमिनेटेड है, मीन्स कि गंदा पानी है वो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिसको पोलियो की प्रॉब्लम है, तो उससे भी आपको ये डिजीज़ फैल जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज पायरिया। पायरिया जो है वो टीथ एंड गम्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसमें हमारा जो टीथ है या गम्स हैं उनसे पस निकलने लग जाती है, और उसके अलावा दांत गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। पायरिया होने की वजह ये होती है कि पुअर ओरल हाइजीन है, मींस कि अगर अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम ब्रशिंग नहीं करते हैं, या फिर कुछ मीठा खाने के बाद में पानी नहीं पिया जाता है, तो उसकी वजह से, या फिर ब्रश करने का वे जो है, तरीका है वो गलत है। इसके अलावा दो विटामिन होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन डी, जिसकी डेफिशिएंसी से पायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइन नंबर पे डिजीज है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। पीलिया जो है ये हमारे लिवर को इफेक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है कि ये 2 to 3 weeks तक चलता है अगर किसी को पीलिया हो जाता है। इसके सिम्टम्स, मतलब कि कैसे पता चलेगा आपको किसी को देख के कि उसको पीलिया है, तो जो उसकी आई है, आई में जो बिल्कुल वाइटनेस आ जाती है, और उसके अलावा जो स्किन है वो येलोइश हो जाती है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हेड से, मीन्स कि हमारी बॉडी में ऊपर से स्टार्ट होके ये बॉडी के नीचे तक पार्ट्स में आ जाता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं कि इसमें जो यूरिन है वो डार्क आने लग जाता है, बॉडी में खुजली होती है, या फिर जो हमारे नेल्स का कलर है वो पेल हो जाता है, मीन्स कि डलनेस आ जाती है। इसके अलावा जो पोलियो है इसमें जो येलो कलर होता है, मीन्स कि जो बॉडी है वो येलोइश होने लग जाती है, और जो नेल्स का कलर पेल हो जाता है वो बिलरुबिन पिगमेंट की वजह से होता है, जो एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। और ये बनता कैसे है, जब रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारी आरबीसीज हैं, अगर वो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं और फिर वो बिखर जाती हैं, तो उसकी वजह से लिवर में येलो कलर का पिगमेंट बन जाता है, जिसको बिलरुबिन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी नेक्स्ट डिजीज इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो डिजीज है ये हमारी ब्लड में होती है, मतलब जो इफेक्ट करती है ये ब्लड को इफेक्ट करती है। और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का एक दूसरा नाम भी होता है, जो कि बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स होने से, बॉडी में जब हमारे बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उस वजह से ल्यूकेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो वी नो कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी की सोल्जर्स होती हैं, लेकिन अगर इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ल्यूकेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो हमारे ल्यूकेमिया है, अगर किसी को ल्यूकेमिया हो जाए तो कैसे पता चलेगा, तो इसके सिम्टम्स में फीवर होता है, ठीक है, थकान हो जाती है, हेडेक होता है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है नोज से, इन मींस कि बिना वजह और बिना किसी वे के, आपकी डाइट बहुत ठीक है उसके बाद भी सडनली आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लूज होने लग जाता है, और उसके अलावा वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है। तो मेन जो इसका रीज़न है वो वाइट ब्लड सेल्स के बहुत ज़्यादा होने से होता है। नेक्स्ट डिजीज इज पैरालिसिस, जिसे हिंदी में लकवा कहते हैं। ये हमारी नर्व्स पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से बॉडी का वो एक पर्टिकुलर पार्ट वर्क करना बंद कर देता है, नंबनेस आ जाती है, मींस कि वहाँ पे आपको कुछ फील नहीं होता। इसे पैरालिसिस अटैक भी कहते हैं। अब इसमें जो पैरालिसिस अटैक है, इसमें दो पार्ट्स में होता है बेसिकली। फर्स्ट है मोनोप्लेगिया, सेकेंड वन इज हेमिप्लेगिया। मोनोप्लेगिया में क्या होता है कि आपका सिर्फ एक आर्म और एक लेग पे इफेक्ट करेगा,
हेमोप्लीगिया में क्या होता है कि एक आर्म और एक लेग जो कि सेम साइड पे हो बॉडी के, या तो आपकी लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, तो उसको इफेक्ट करेगा। इसके अलावा दो और पार्ट्स भी हैं इसमें, पैराप्लेगिया और क्वाडप्लेगिया। इन दोनों में क्या होता है, पैराप्लेगिया में क्या होता है कि नाम से ही थोड़ा आइडिया लग गया होगा, पैरा मीन्स की लेग्स, तो ये हमारे लेग्स पे इफेक्ट डालता है कि दोनों जो लेग्स हैं उन वो पैरालिसिस हो जाए, वो उनमें नंबनेस आ जाए, वो अपना वर्क करना बंद कर दे, उनमें कोई भी आपको सेंसेशन फील ही ना हो। नेक्स्ट वन इज क्वाडप्लेगिया। इसके अंदर क्या होता है, हमारे दोनों हाथ और बॉडी के दोनों लेग्स ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, तो ये बहुत ही सीरियस और मेजर प्रॉब्लम होती है। तो जितनी भी हमने अभी तक डिजीज पड़ी है ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में कॉमनली रिपीट होती हैं, हमने बहुत सारे इसके क्वेश्चंस देखे हैं, और ये हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सी डिजीज से कौन सा वाला बॉडी का पार्ट इफेक्ट करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई डिजीज में आपको कुछ समझ में नहीं आया या उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। Thank you so much and stay tuned with our channel for more such videos.